पढ़ेंगे आवर रन अवे काइट। इसको लिखने वाले राइटर का नाम है लूसी मॉट मॉन्टगोमरी। ये स्टोरी क्या बतलाता है इसको पढ़ लेते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट ए ब्रदर एंड ए सिस्टर। ये कहानी एक भाई और बहन की है। लिविंग ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड। वे लोग एक सुनसान पड़े एक आइलैंड में रहते हैं विद देयर फादर उनके फादर के साथ। हु जो कि थ्रू ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट कई घटनाओं के द्वारा गेट यूनाइटेड फिर से एक हो जाते हैं विद देयर लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव्स। अपने बहुत दिन बिछड़े हुए रिलेटिव से मिल जाते हैं। इट इज़ अ टचिंग टेल। और यह क्या है, ये एक दुख भरी कहानी है। दैट अंडरलाइंस द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स। जो कि रिलेशनशिप के अंदर के जो रिलेशनशिप के जो होना चाहिए उसके जो महत्व है उस चीज़ को रेखांकित करता है, उस चीज़ को फोकस करता है। इंटरवन पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स देयर वाज नोबडी फॉर अस टू प्ले। निशंद हम लोग के लिए वहाँ पर खेलने के लिए कोई भी नहीं था। टू प्ले विथ ऑन द बिग हाफ मून। बिग हाफ मून क्या है, एक आइलैंड का नाम है। बिग हाफ मून एक आइलैंड का नाम है। वहाँ पर हम लोग को खेलने के लिए कोई भी नहीं है। वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर एंड वी डिड। वहाँ पर हम लोग को खेलने के लिए कोई नहीं था, इसलिए हम लोग को खुद ही एक दूसरे खिलौना थे, हम लोग खेलते थे और हम लोगों ने वो काम को किया। वी लिव ऑन द बिग हाफ मून। हम लोग बिग हाफ मून आइलैंड में रहते थे। वी आर फादर एंड क्लोड। यहाँ पर वी का मतलब कौन है, यहाँ वी का मतलब बता रहा फादर है, क्लोड है एंड आई। आई कौन है, आई यहाँ पर जो राइटर है वो है। एंड आंट इस्थर, उनकी एक आंट थी इस्थर बोल के। एंड मिमी एंड डिक, और मिमी एंड डिक थे, ये सारे करेक्टर हैं। इट यूज्ड टू बी ओनली फादर एंड क्लोड एंड आई। शुरू में यहाँ पे कौन था, यहाँ पे सिर्फ तीन करेक्टर थे, फादर था, क्लोड था और आई। आई मतलब यहाँ जो राइटर है, जो नरेटर है वो है। इट इज़ ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देर आर मोर ऑफ अस। और ये क्या हुआ, ये काइट के चलते क्या हुआ कि हम लोग सबको यहाँ पर एक हो गए। देखिए राइटर का चैप्टर का नाम क्या, आवर रन अवे काइट, मतलब हम लोग का कटा हुआ पतंग। एक पतंग किस तरह से रिश्तों को मिला देता है, ये एक सुंदर कहानी है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट। और यही जो कहानी है, इस कहानी का मूल है। फादर इज द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस एक तरह का टावर होता है जो कि कोस्टल एरियाज में लगाया जाता है वहाँ के सिक्योरिटी के लिए। फादर क्या थे, वहाँ के कीपर थे, गेट कीपर थे, हाउस के इंचार्ज थे। आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, मैं 11 साल की हूँ। राइटर बोलती हैं कि वो 11 साल की हैं, लेखिका। क्लोड इज 12। अब क्लोड क्या है, 12 साल का है। इन विंटर जाड़े में, व्हेन द हार्बर इज फ्रोजन ओवर। जाड़े में जबकि हार्बर क्या होता है, बंदरगाह, पोताश्रय, जहाँ पर हार्बर जो है ना ठंड के चलते जम जाता है। वी ऑल मूव ओवर टू द मेनलैंड। तब हम लोग मेनलैंड की तरफ में, जहाँ जमीन है उधर की तरफ में जाते हैं। एज सून एज स्प्रिंग कम्स, जैसे ही स्प्रिंग्स वापस आ जाता है, बैक वी सेल टू आवर डियर आइलैंड। उसके बाद हम लोग फिर से अपने जो हम लोग का प्यारा आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ पर हम लोग रिटर्न चले जाते हैं। द फनी पार्ट यूज टू बी दैट पीपल ऑलवेज पिटीड अस व्हेन द टाइम केम फॉर अस टू रिटर्न। सबसे हंसी वाली बात यह थी कि लोग हम पे दया दिखलाते थे जब वो समय आता था कि हम लोग अपना आइलैंड पे रिटर्न जाएंगे। उस वक्त दे सेड, वे कहते थे, वी मस्ट बी सो लोनसम, कि हम लोग वहाँ पर बहुत अकेले फील करते होंगे, विथ नो अदर चिल्ड्रन, क्योंकि हम लोग के पास वहाँ खेलने के लिए और बच्चे नहीं थे। ऑफ कोर्स क्लॉड एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव सम संडे। हम लोग को वहाँ पर खेलने के लिए
ऑफ कोर्स क्लोड एंड आई वुड लाइक टू हैव समवन टू प्ले विद अस। निसंदेह हम लोग को क्लोड को वहाँ पे खेलने के लिए कुछ बच्चे चाहिए था, लेकिन हमें वहाँ पे खेलने के लिए कोई नहीं मिलता था। इट इज़ हार्ड टू रन पायरेट्स केव्स। वो हम लोग ना पायरेट्स केव का गेम खेला करते थे। पायरेट होता है समुद्री जो डाकू होते हैं, वो लोग केव में आके छिप कर रहते हैं, वो गेम हम लोग खेलते थे। एंड थिंग्स लाइक दैट विथ ओनली टू, सिर्फ दो के साथ क्लोड और मैं दोनों ही गेम को खेलते थे। कि हम लोग खेलने के साथ ही और नहीं था। बट वी यूज टू क्वारल, लेकिन हम लोग बहुत लड़ा करते थे, अ गुड डील, बहुत ज़्यादा, विद द मेनलैंड चिल्ड्रन इन विंटर। जब हम लोग विंटर में जाते थे ना, वहाँ के जो मेनलैंड के चिल्ड्रन थे उन लोगों के साथ। सो इट वॉज परहैप्स जस्ट एज वेल दैट देयर वे नन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून। क्यों? क्योंकि वो लोग लड़ने के लिए भी हम लोग को बिग हाफ मून पे नहीं थे। क्लोड आई एंड आई नेवर क्वारल, लेकिन वहाँ बच्चे ज़्यादा थे तो वो लड़ लेते थे। लेकिन आइलैंड पे कौन है? क्लोड है और मैं है, राइटर है, इसलिए वहाँ लोग आपस में लड़ते भी नहीं थे। लड़ेंगे तो खेलेंगे वो। देखिए ये एक पिक्चर क्या है, ये लाइट हाउस का पिक्चर है। ये है लाइट हाउस, इसके इंचार्ज कौन थे? उनके फादर। टू बी श्योर फादर डिड नॉट सीम टू हैव एनी रिलेशंस एक्सेप्टेड। ऐसा लगता था निश्चित रूप से कि फादर को हम लोगों को छोड़कर और किसी के साथ रिलेशन नहीं था, संबंध नहीं था। दिस यूज टू पजल क्लोड एंड मी, और यह मुझे और क्लोड दोनों को बहुत परेशान करता था। एवरीबडी ऑन द मेनलैंड हैड रिलेशन। जब हम लोग मेनलैंड पे जाते थे, देखते थे कोई ना कोई किसी ना किसी का रिलेशंस है, सगे संबंधी है। वाई हैड नॉट वी, हम लोग का क्यों नहीं है? वॉज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन आइलैंड, ये क्या इसलिए था क्योंकि हम लोग आइलैंड पे रहते थे? वी थॉट इट वुड बी सो जोली टू हैव एन अंकल एन आंट एंड सम कजन्स। हम लोग कभी कभी सोचते थे कितना मज़ा आता, कितना आनंद आता अगर हम लोग का भी अंकल होता, आंट होता, उनके कुछ बच्चे होते, हम लोग के कज़न होते। वंस वी आस्क फादर अबाउट इट, एक बार हम लोगों ने फादर से जाके इसके बारे में पूछा। बट ही लुक्ड सो सॉरफुल, लेकिन वो इतना उदास दिखे। दैट वी विश्ड वी हैड नॉट, कि हम लोगों ने सोचा कि नहीं अच्छा ये कि नहीं है फादर कम से कम उदास ना दिखे। ही सेड इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट, फादर ने कहा ये सब उनकी गलती थी। क्लोड एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाट ही मीन्ट, क्लोड और मैं समझ नहीं पाए कि फादर क्या कहना चाहते हैं। इट इज ऑलवेज ऑन द बिग हाफ मून इन समर, जब समर सीजन आता था ना तो हम लोग कहाँ होते थे? बिग हाफ मून आइलैंड पे होते थे, और विंटर में वो लोग कहाँ रहते थे? मेनलैंड पे। वेन इट इज फाइन, जब मौसम अच्छा होता था, द हार्बर इज ब्लू एंड काम, हार्बर जो होता बंदरगाह होता एकदम नीला रंग का होता, एकदम शांत होता, विथ लिटिल वाइंड, हल्की हल्की हवा चलती एंड रिपल्स, और जो पानी का है ना लहरें, छोटी छोटी लहरें वहाँ पाती थी। एवरी समर, हर ग्रीष्म ऋतु में वी हैड सम हॉबी, हम लोगों को कुछ हॉबी होता था। लास्ट समर बिफोर डिक एंड मिमी केम, लास्ट समर जब डिक एंड मिमी आए उसके आने के पहले, वी वेर क्रेजी अबाउट काइट्स, हम लोग पतंग उड़ाने के लिए पागल हुए थे, बहुत पतंग उड़ाने का शौक रखे थे। अ बॉय ऑन द मेनलैंड शोड क्लोड हाउ टू मेक देम, जब हम लोग गए थे ना मेनलैंड की तरफ में, तो एक लड़के ने क्लोड को सिखाया था कि किस तरह से काइट बनाते हैं, पतंग बढ़ाते हैं। बैक ऑन द आइलैंड, जब हम लोग वहाँ आइलैंड पे आए, वी मेड प्लेंटी ऑफ काइट्स, हम लोगों ने बहुत सारे काइट्स को बनाया। क्लोड वुड गो अराउंड टू द अदर साइड, क्लोड दूसरे साइड पर जाता था ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के, एंड वी वुड प्ले सीप्रेक मैरिनर्स, हम लोग जाके क्या खेलते थे, जो समुद्र का जहाज है, समुद्री जहाज है, वो टूट के तूफान के लहरों में किस तरह से बह कर आता था, तो हम लोग वहाँ पे सिग्नल देते थे ईच अदर विद काइट्स, काइट्स के द्वारा हम लोग वहाँ पे सिग्नल देते थे कि ये जहाज डूब चुका है। वी हैड ए काइट, हम लोग के पास एक काइट भी था, दैट वॉज बिग, जो कि बड़ा था, एंड कवर्ड विथ लवली रेड पेपर, और जो कि लाल रंग से ढका हुआ था, लाल रंग का बना हुआ था। वी पेस्टेड गोल्ड टिंसल्स, हम लोगों ने उस पर सुनहरे रंग का छोटा छोटा तारा होता ना, उसको चारों तरफ से उसको सजा दिया था, डेकोरेट कर दिया था। टिंसल्स स्टार्स ऑल ओवर इट एंड हैड रिटन आवर्स नेम फुल ऑन इट, उसके बाद उस पतंग पे हम लोगों ने अपना नाम लिख दिया। क्या लिखा?
क्लाउड लेटे एंड फिलिपा लेटे बिग हापमून लाइट हाउस, ये उन लोगों का क्या है एड्रेस है। ये देखिए ये क्या है, वही सुंदर सा काइट है जो बहुत सारे बिछड़े रिश्ते को मिला देता है, कनेक्ट कर देता है। इसी के ऊपर में हम लोग का टाइटल है, टाइटल ही बहुत अच्छा है, रनअवे काइट्स। देखिए ये क्या है, ये कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरिया के आसपास जो जहाज उतरते हैं इसको हम लोग हार्बर बोलते हैं, हार्बर का एरिया होता है। वन डे देर वॉज अ ग्रैंड वाइंड फॉर काइट फ्लाई, एक बार क्या हुआ खूब अच्छा हवा था काइट फ्लाइंग के लिए, पतंग उड़ाने के लिए। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड, मुझे पता नहीं है कैसे हो गया, बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग द काइट फ्रॉम द हाउस, जब मैं उस काइट को घर से लेकर आ रहा था, आई ट्रिप्ड, मैं फिसल गया एंड फेल ओवर द रॉक्स, पत्थरों पे जाकर गिर पड़ा। माई एल्बो, मेरा जो केहनी था, वेंट क्लियर थ्रू द काइट, वो काइट के भीतर चला गया, मेकिंग ए बिग होल, और काइट के एक छेद कर दिया, काइट फट गया। वी हैड टू हरी टू फिक्स द काइट, हम लोग को दौड़ कर जाना पड़ा ताकि काइट को ठीक करें। इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड इट अप बिफोर द वाइंड फेल, अगर हम लोग को हवा रहते उस पतंग को उड़ाना है तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। वी रस्ट इन टू द लाइट हाउस, हम लोग दौड़ते दौड़ते लाइट हाउस में गए टू गेट सम पेपर, ताकि वहाँ से कुछ पेपर ला सके, उस पर चिपका सके। वी न्यू, हम लोग जानते थे देयर वॉज नो मोर रेड पेपर, कि हम लोग जानते थे वहाँ पर कोई लाल रंग का पेपर नहीं है। वी टुक द फर्स्ट थिंग दैट केम हैंडी, हम लोगों ने जो सामने मिला उसी से काम चलाया। सामने क्या था, एन ओल्ड लेटर, एक पुराना लेटर था, लाइंग ऑन द बुक केस, जो बुक का रैक रखा था वहीं पे था, इन द सीटिंग रूम, बैठने वाले घर में। वी पैस द काइट अप, हम लोगों ने काइट को जो पतंग था उसको लेटर से ही अच्छा से चिपका दिया। अ सीट ऑन ईस्ट साइड, दोनों तरफ में एक एक कागज लगा दिया। एंड ड्राइड इट बाय द फायर, और आग के पास लेके उसको सुखा दिया। वी स्टार्टेड आउट, उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा पतंग उड़ाने के लिए। एंड अप वेंट द लाइक ए बर्ड, और ये पतंग क्या हुआ, पक्षी की तरह आकाश में ऊपर चला गया। द वाइंड वॉज ग्लोरियस, हवा शानदार था। एंड इट सोर्ड, और ये आकाश में ऊपर उड़ता गया। ऑल एट वंस, अचानक ये क्या हुआ, स्नैप, स्नैप मतलब टूट जाना। एंड देर वॉज क्लॉड, और वहाँ पर क्लॉड थी स्टैंडिंग विथ ए बीट अप कॉर्ड, उसके हाथों में क्या रहा, सूता का धागा रहा, जो पतंग का धागा है वो उसके हाथ में रहा। लुकिंग फुलिश, वो मुर्ख की तरह खड़ी रही क्योंकि पतंग कट के उड़ चुका था। आवर काइट हैड सेल्ड अवे, हम लोग का काइट उड़ते उड़ते दूर चला गया। ओवर टू द मेनलैंड, वहाँ से आइलैंड से उड़ते उड़ते कहाँ चला गया, मेनलैंड की तरफ में चला गया। देखिए टिंसल क्या होता है, टिंसल होता है स्ट्रिप्स ऑफ शाइनी मटेरियल यूज फॉर डेकोरेशन, वो डेकोरेशन के दुकान में मिलता है, छोटा छोटा तारा, रंगीन तारा, गोल्डन कलर का तारा, उसी को बोलते हैं। चलिए यूनिट 3 पढ़ते हैं। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, अ लेटर केम फॉर फादर, एक लेटर फादर के लिए आया। आफ्टर ही फिनिश्ड रीडिंग, जब वो पढ़ना खत्म कर दिए, हिज आईज लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग, उनकी आंखें ऐसे लग रही थी कि वो रो रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू नो वाट बिकम ऑफ योर काइट, तुम जानना चाहते हो तुम लोग का जो काइट था जो उड़ के चला गया तो उसका क्या हुआ, ही सेड, उन्होंने कहा। देन ही सेट डाउन, उसके बाद वो बस बैठ गए बिसाइड अस, हम लोग के बगल में, एंड टोल्ड अस द होल स्टोरी, और सारा स्टोरी उन्होंने बोला। फादर हैड ए ब्रदर एंड ए सिस्टर, फादर का एक ब्रदर था सिस्टर था। ही हैड क्वारल विथ हिज ब्रदर, वो अपने भाई से एक बार लड़ाई किए थे। एंड लेफ्ट होम, और उसके बाद वहाँ घर से छोड़ कर चले गए थे। ईयर्स आफ्टरवर्ड, कई सालों के बाद, ही फेल्ट सॉरी, वो दुखी महसूस किए। एंड व्हेन ही वेंट बैक, और जब वहाँ से वापस आए, ही फाउंड हिज ब्रदर हैड डाइड एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज सिस्टर, उसका भाई मर चुका है और वो अपने बहन को भी नहीं खोज पाया। द लेटर फादर हैड जस्ट रिसीव्ड वाज फ्रॉम हिज सिस्टर, जो लेटर उसने रिसीव किया वो उसके सिस्टर का था, आंट इस था, वो उसके सिस्टर का नाम क्या था, सिस्टर का नाम था ईस्टर। मदर ऑफ डिक एंड मेमी, वो कौन थी, मदर थी
जी फर मामी, जो उनके दो बच्चे थे उनकी वो माँ थी, यानी इनकी एक कज़न हुए और उनके आंट हुए। शी वॉज विडो। और इस तरह कौन थी? वो एक विडो थी, एक विधवा थी, हु लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स इनलैंड, जो कि हजारों मील दूर रहती थी इनलैंड से। वन डे, एक दिन, व्हेन डिक एंड मेमी वेर आउट इन द वुड्स, एक दिन जब डिक और मेमी जंगल में गए, दे डिस्कवर्ड, उन्होंने पाया द काइट, वो पतंग, वही पतंग जो उनका कट गया था, ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री, कि एक पेड़ के ऊपर में था, एंड कैरीड इट होम, और उसको उन लोगों ने घर लेके आया। व्हेन देयर मदर सॉ, जब उनकी माँ ने वो काइट देखा, पैच विद द लेटर, जो कि लेटर से चिपकाया गया था, सी टर्न पेल, वो बहुत उदास हो गई। इट वॉज द वेरी लेटर, ये वही लेटर था, सी हैड वंस रिटन टू हर ब्रदर, वो अपने भाई को लिखी थी। फिलिपा वॉज हर मदर्स नेम, फिलिपा उनकी माँ का नाम था, एंड क्लॉड वॉज हर फादर, और क्लॉड कौन था? उसका फादर, उसका नाम। सी नी हु वी मस्ट बी, वो जानती थी कि हम लोग कौन है, उनको पुराना रिलेशन मिल गया था। सो सी सेट डाउन, इसलिए वो बैठी, एंड रोट टू बिग हाफ मून, और बिग हाफ मून जगह पे वो एक लेटर लिखती है, एंड फादर रिसीव्ड हर लेटर, और फादर उनके लेटर को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, फादर वेंट एंड ब्रॉट आंट एस्थर एंड डिक एंड मेमी विथ हिम, नेक्स्ट डे वो तुरंत उसके पास पहुंचते हैं, अपनी बहन के पास, और वहां से वो उसको और उसके दोनों बच्चों को लेकर चले आते हैं। दे हैव बीन हेयर एवर सिंस, और तब से वो लोग यहाँ पर इस आइलैंड पे आ गए हैं। आंट एस्थर इज डियर एंड डिक एंड मेमी आर टू जोली फॉर वर्ड्स, आंट एस्थर थी जो उनका प्रिय थी, और डिक एंड मेमी वो भी बहुत खुश थे अपने रिलेटिव को पाकर, अपने अंकल को पाकर। बट द बेस्ट ऑफ ऑल इज दैट वी हैव रिलेशंस नाउ, लेकिन सबसे अच्छा बात क्या था कि हम लोग का अब एक रिलेशन है, हम लोग का भी रिलेटिव्स हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी बात थी। तेरा लेसन का एंड, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।